नमस्कार दोस्तों जय हिंद वंदे मातरम स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षक भर्ती के चैनल जयसवाल कोचिंग सेंटर पर दोस्तों मैं आपके साथ विजय जायसवाल यानी जयसवाल सर दोस्तों आज की क्लास में बात करेंगे पर्यावरण इन्वायरमेंट टॉप टेन क्लास रहेंगे टॉप टेन प्रश्न रहने वाले हैं आपके एम के लिए स्पेशल तैयारी चल रही है विथ सी टेट ये सभी दस प्रश्न डिटेल के साथ जानेंगे कि इसके अलावा भी और कौन से ऑप्शंस या प्रश्न बन सकते हैं डिटेल के साथ जानेंगे दोस्तों वीडियो को इन तक देखेगा बेहतरीन क्लास आज से शुरू हो रही है बहुत से बच्चे बोल रहे थे कैंडिडेट भाई बहन सभी शिक्षक बंधु सर इन्वायरमेंट की और मैथ्स की क्लास कब शुरू कर रहे हैं तो आज से आपकी पर्यावरण की क्लास शुरू कर देंगे और कुछ आपके मनोवैज्ञानिक यानी कि फिजिकोलॉजी के जो प्रश्न आते हैं उसको भी शुरू करेंगे और जल्द ही आपकी मैथ्स की क्लास भी शुरू कर देंगे चलिए दोस्तों शुरू करते हैं सभी मित्रों को जय हिंद वंदे मातरम प्रश्न आ चुका है पहला प्रश्न स्क्रीन पर लेंगे और प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है स्क्रीन पर प्रश्न आ चुका है प्रश्न क्या पूछा गया है शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि है देखिए व्याकरण सॉरी दोस्तों कंसेप्ट और आपका पेडोगॉजी दोनों को यहाँ पे लेकर चलेंगे कंसेप्ट के भी प्रश्न रहेंगे विथ पेडोगॉजी यानी शिक्षण शास्त्र के भी प्रश्न रहेंगे तो शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि है उसकी वेतन होती है उसकी सेवा होती है गर्व होता है ये छात्रों का विश्वास तो शिक्षक की जो सबसे बहुमूल्य निधि होती है दोस्तों वह क्या होता है छात्रों का विश्वास होता है ठीक है क्योंकि दोस्तों शिक्षक विद्यार्थियों के जीवन के वास्तविक कुम्हार होते हैं जो ना सिर्फ उनके छात्रों के जीवन को आकार देते हैं बल्कि छात्रों में यह विश्वास जगाते हैं कि वे छात्र शिक्षक के द्वारा बताई गई बातों का अनुसरण कर दुनिया के रंगमंच पर अवतरित हो सकते हैं और अपने आप को काबिलियत बना सकते हैं अतः शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि है छात्रों का विश्वास चलिए दूसरा प्रश्न देख लेते हैं सभी प्रश्नों को इसी तरह डिटेल के साथ जानेंगे सेकंड प्रश्न क्या कह रहा है परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाया जाता तो वह एक है दोस्तों परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाया जाता तो वह एक क्या है कानून है सिद्धांत है खोज है या मूल संकल्पना है परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाया जाता है तो यह क्या है दोस्तों तो यह आपका एक सिद्धांत है ठीक है क्या हो जाएगा सिद्धांत हो जाएगा क्योंकि दोस्तों सिद्धांत के साथ प्रायोगिक अनुभव जुड़ा होता है किसी परिकल्पना को बार बार निरीक्षण व परीक्षण करने के बाद जब इस बात का भान हो जाता है कि यह परिकल्पना सार्वभौमिक रूप से सत्य है तो यह सिद्धांत का रूप ग्रहण कर लेता है ठीक है दोस्तों तो परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाया जाता तो वह एक सिद्धांत बन जाता है अगला प्रश्न देख लेते हैं अभी शुरुआत कर रहे हैं इसीलिए दस प्रश्न लेकर आए हैं आगे आने क्लासेज में सभी क्लासेज इंपॉर्टेंट रहेगी और बेहतरीन प्रश्न आएंगे निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि कौन सी होती है सबसे शिक्षण जो सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि श्रुतलेख एवं दिया गया कार, विचार गोष्ठी एवं श्रुतलेख विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना या व्याख्यान एवं श्रुतलेख तो सबसे उपयुक्त जो शिक्षण विधि मानी जाती है वह आपकी विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना मानी जाती है दोस्तों विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना शिक्षण विधि की सबसे उपयुक्त विधि है इस शिक्षण विधि में छात्र परस्पर विचारों का आदान प्रदान करके अपने ज्ञान की वृद्धि करते हैं देखिए विचार गोष्ठी और कार्य योजना के शिक्षण में क्या होते हैं इस शिक्षण विधि में छात्र परस्पर विचारों का आदान प्रदान करके अपने ज्ञान की वृद्धि करते हैं यह एक प्रश्न बन गया ठीक है तो छात्र जो है किस विधि में छात्र परस्पर विचारों का आदान प्रदान करके अपने तो ज्ञान की वृद्धि करते हैं तो वह विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना शिक्षण विधि और यह विधि जो है शिक्षा के कृत्रिम वातावरण को समाप्त करने तथा शिक्षा को जीवन से संबंध स्थापित करने हेतु महत्वपूर्ण मानी जाती है प्रारंभ में इसका प्रयोग छात्रों द्वारा किए जाने वाले गृह कार्यों के लिए किया जाता था जिसमें योजना बनाना शारीरिक श्रम करना निहित होता था अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है सभी लोग कमेंट करेंगे ग्रीन हाउस गैस नाइट्रक्स ऑक्साइड ठीक है ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड सी ओ टू हो गया हीलियम हो गया मेथेन हो गया कौन है दोस्तों ग्रीन हाउस गैस नहीं है तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ नाइट्रक्स ऑक्साइड जो है यह ग्रीन हाउस है कार्बन डाइऑक्साइड और मेथेन ये तीनों क्या है आपके ग्रीन हाउस गैस है लेकिन हीलियम जो है यह आपका ग्रीन हाउस गैस नहीं है दोस्तों जो ग्रीन हाउस गैस है यह ग्रह गैसें जो है ग्रह के वातावरण या जलवायु में परिवर्तन और अंततः भूमंडली ऊष्मीकरण के उत्तरदायी होते हैं इनमें सबसे ज़्यादा उत्सर्जन कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रक्स ऑक्साइड मिथेन क्लोरोफ्लोरोबन वाष्प ओजोन आदि हैं। इनमें जो है सबसे ज़्यादा उत्सर्जन होता है किसका कार्बन डाइऑक्साइड सी का नाइस नाइट्रक्स ऑक्साइड ठीक है तो एन का मिथेन सी एच फोर वाष्प ओजोन ये आदि करती हैं इन गैसों का उत्सर्जन जो है आम प्रयोग के उपकरण वातानुकूलक जो हम करते हैं वाता वातानुकूलक जो होते हैं फ्रिज हो गया कंप्यूटर हो गया स्कूटर हो गया आदि से होता है ठीक है इन गैसों का उत्सर्जन यानी कि निर्माण जो होता है पैदावार जो होती इन्हीं में से होता है वातु उपकरण जो होते हैं वातानुकूलक उपकरण होते हैं फ्रिज हो गया कंप्यूटर स्कूटर ये इनके उत् क्या उत्सर्जन कहलाते हैं और हीलियम जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है यह एक निष्क्रिय व नोबल गैस है हीलियम कैसा गैस है आपका निष्क्रिय एवं नोबेल गैस है ठीक है चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया गया है ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई द्वारा किया जाता है डेसिपल द्वारा जूल द्वारा न्यूटन द्वारा नैनो इकाई द्वारा तो ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई द्वारा किया जाता है सभी लोग जानते हैं डेसिपल द्वारा किया जाता है ध्वनि प्रदूषण मापन की इकाई क्या है आपका डेसिपल है ध्वनि प्रदूषण मापन जो है डेसिपल इकाई द्वारा किया जाता है अस्सी डेसिबल या इससे अधिक जो है शोर श्रवण शक्ति को स्थायी हानि पहुंचाने में सक्षम होता है अगर अस्सी डेसिपल से ज़्यादा ध्वनि है तो यह जो है श्रवण शक्ति को हानि पहुंचाने में सक्षम होता है यानी श्रवण शक्ति को हमारे हानि पहुंचा सकता है और जो हमारे समान श्रवण शक्ति वालों के लिए जो समान सुनने की क्षमता वाले डेसिबल कितनी होने चाहिए तो पच्चीस से तीस डेसिबल ध्वनि पर्याप्त है ठीक है सामान्य के लिए और पाँच डेसीबल की ध्वनि जो है अत्यंत मंद मानी जाती है पचहत्तर डेसीबल की साधारण तेज मानी जाती है साधारण तेज और पंचानवे डेसी वल डेसीबल जो ध्वनि होती है अत्यंत तेज मानी जाती है और एक सौ बीस डेसीबल जो ध्वनि होती है तीव्र कष्टकारक मानी जाती है ये प्रश्न आता है तो तीव्र कष्टकारक ध्वनि एक सौ बीस डेसीबल है अत्यंत तेज ध्वनि पंचानवे डेसीबल है साधारण तेज पचहत्तर डेसिबल है और अत्यंत जो मंद गति है वह पांच डेसीबल है और नॉर्मल जो है सामान्य श्रवण शक्ति के लिए पच्चीस से तीस डेसिबल होती है ध्वनि अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है दोस्तों निम्न में से किस स्थलाकृति का निर्माण हिमानी द्वारा हुआ है दोस्तों ऐसी कौन सी स्थलाकृति है जिसका निर्माण जो है हिमानी द्वारा हुआ है यू आकार की घाटी का लयपीज का वी आकार की घाटी का या जलप्रपात का तो सही आंसर क्या हो जाएगा इनमें से जो है यू आकार की जो घाटी होती है कौन सी यू आकार की जो घाटी होती है ठीक है ऐसी घाटियां जो होती हैं आकार की यह स्त्राकृति का निर्माण हिमानी द्वारा हुआ है इनका यू आकार की जो घाटी इनका निर्माण जो है हिमानी द्वारा होता है स्थलाकृतियों में यू आकार की घाटी का निर्माण हिम हिम नदी के द्वारा होता है हिम नदों के द्वारा और इसका नामकरण अंग्रेजी अक्षर के यू के आधार पर हुआ है जिससे इस घाटी की आकृति मिलती है किसके यू आकार से यानी कि अंग्रेजी का अच्छा जो यू है इस आपकी आकृति मिलती है इसलिए आकार की इसकी घाटी नाम दे दिया गया और अपर्दन के कारण इनके दोनों किनारे काफ़ी समांतर एवं आपका अंतोदर ढाल वाले बन जाते हैं और जल प्र, जल प्रपात एक प्रमुख प्रवाही जल नदी कृत अपर्दनात्मक स्थल रूप है और वी आकार की घाटी का नामकरण अंग्रेजी वर्णमाला के भी पर हुआ है ठीक है जो जल प्रपात एक प्रमुख प्रवाही जलकृत अपर्दनात्मक स्थल रूप है और वी आकार की घाटी का नामकरण अंग्रेजी वर्णमाला के भी अक्षर से हुआ है ठीक है और इसका आकार घाटियों के निर्माण यानी युवा नदियों के द्वारा होता है जो युवा नदियां होती हैं उसके द्वारा वी आकार की घाटी का निर्माण की होता है ठीक है जब नदी जो है निर्म निम्नवर्ती कटाव द्वारा अपनी तली को कम गहरा करती है जब नदी जो है निम्न वर्ती द्वारा कटाव को अपनी तली को कम गहरा करती है तो भी आकार की घाटी का निर्माण होता है ठीक है चलिए तो अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों सभी प्रश्न डिटेल के साथ जानेंगे अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया गया है निम्न में नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है यानी ऐसी नदी का नाम चारों में से बताइए जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हो क्या वह सुवर्ण रेखा नदी है ताप्ती नदी है नर्मदा नदी है या सिंधु नदी है तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जो नदी है वह सुवर्ण रेखा है ठीक है कौन सी रेखा है आपकी सुवर्ण रेखा हो जाएगी क्योंकि सुवर्ण रेखा या स्वर्ण रेखा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है यह भारत के झारखंड राज्य में बहने वाली एक पहाड़ी नदी है यह रांची नगर से सोलह किलोमीटर दक्षिण पश्चिम स्थित नगरी गाँव में रानी नामक स्थान से निकलती है तथा बालेश्वर नामक स्थान पर बंगाल की खाड़ी में गिरती है बंगाल की खाड़ी में किस स्थान से गिरती है बालेश्वर नामक स्थान पर गिरती है और इसका उद्गम स्थल कहाँ पर है तो मैंने बताया आपको कहाँ पर हो है? इसका रांची नगर के 16 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम स्थित नगरी गांव में रानीचुआ नामक स्थान से निकलती है ठीक है और आपकी ताप्ती नर्मदा सिंधु नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं ठीक है जो आपकी ताप्ती नर्मदा सिंधु नदियां हैं ये तीनों नदियां कहाँ गिरती हैं तो आपके अरब सागर में अरब सागर में गिरती हैं और सुवर्ण रेखा आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरती है वीडियो को लाइक शेयर करेंगे दोस्तों ऐसे ही क्लासेज ऐसे ही प्रश्न चाहते हैं आगे आने वाली क्लासेज में बेस्ट तैयारी के लिए चैनल को ज्वाइन करें सब्सक्राइब कर लेंगे अगला प्रश्न देख लेते हैं शिक्षण शास्त्र यानी पेडागोजी का प्रश्न है कंबाइंड लेके चलेंगे क्योंकि तैयारी तीस में तीस की चल रही है दोस्तों आगे आने वाले प्रश्न और ज़्यादा हम प्रश्न बढ़ाएंगे स्पीड से करेंगे क्लासेज राकेश कक्षा पाँच पर्यावरण विज्ञान शिक्षक द्वारा दिए गए कार्य को समय से प्रस्तुत नहीं करता है यानी कक्षा पाँच का एक जो राकेश है विद्यार्थी है वह पर्यावरण या विज्ञान शिक्षक द्वारा पर्यावरण विज्ञान शिक्षक द्वारा दिए गए कार्य को समय से प्रस्तुत नहीं करता है अतः सबसे उपयुक्त या सुधारात्मक उपाय क्या हो सकता है चार ऑप्शन दिए गए हैं खेल की कक्षा में जाने पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए आप सभी लोग बताइए क्योंकि आप लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं प्रधानपक की जानकारी में लाना उसकी अनियमितताओं के कारण को जानकर उसे सही मार्गदर्शन देना या उसकी अनियमितताओं को लिखित जानकारी माता पिता को देना अगर कोई बच्चा है पर्यावरण विज्ञान शिक्षक द्वारा दिए गए जो कार्य होते हैं समय से प्रस्तुत नहीं कर पाता है तो आप शिक्षक होने के नाते क्या करेंगे तो आपको दोस्तों उसकी अनियमितताओं के कारण को जानकर उसे सही मार्गदर्शन देंगे तीस ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों राकेश जो है कक्षा अच्छा पाँच पर्यावरण विज्ञान शिक्षक द्वारा दिए गए कार्य को समय से प्रस्तुत नहीं करता है अतः सबसे उपयुक्त सुधारात्मक उपाय उसकी अनियमितताओं को जानकर उसे सही मार्गदर्शन देना ना कि प्रधानाध्यापक की जानकारी मिलाना खेल की कक्षा में जाने पर प्रतिबंध या उसकी अनियमितताओं पर लिखित जानकारी ठीक है उसका सही मार्गदर्शन करना चाहिए अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया गया है यह प्रश्न आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट था कि मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का शहर कहलाता है तो मध्य प्रदेश का ऐसा शहर जो झीलों का शहर कहलाता है क्या वह शहर उज्जैन है भोपाल है इंदौर है ग्वालियर है सभी लोग कमेंट करेंगे अपना अपना स्कोर बताइए टेन में से आप लोग इस क्लास में कितना क्रैक कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश में कौन सा ऐसा शहर है जो झीलों का शहर कहलाता है वह आपका भोपाल है जी हाँ दोस्तों भारत का हृदय कहे जाने कहे जाने वाला मध्य प्रदेश आज इसका क्या है सभी लोग जानते एक नवंबर है जी हाँ दोस्तों एक नवंबर को मध्य प्रदेश का गठन हुआ था और एक नवंबर को आपको छत्तीसगढ़ का भी गठन हुआ था तो भारत कह दें कहे जाने वाला मध्य प्रदेश विदेश में पर्यटन स्थलों खान पान शिल्पकारी बुनकारों आदि के लिए जाना जाता है मध्य प्रदेश राज्य की ही राजधानी भोपाल है जिसे झीलों का शहर भी कहा जाता है लोअर लेक और अपर लेक जैसी दो सुंदर झीलों के कारण भी भोपाल के झीलों का शहर कहा जाता है भोपाल में दो दो झीलें हैं एक होता है लोअर लेक और एक होता है अपर लेक ये दोनों झीलें जो है भोपाल में हैं इसलिए झीलों का शहर आपको भोपाल को कहा गया है चलिए लास्ट प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया गया है निम्न में से कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है ऐसा कौन सा सागर है दोस्तों जो यू, यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है ठीक है अफ्रीका ये दिया गया है काला सागर है लाल सागर है अरब सागर है या भूमध्य सागर है तो ऐसा सागर जो यू, यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है वह आपका है भूमध्य सागर भूमध्य सागर दोस्तों जो है आपका यह पृथ्वी का एक सागर है जो उत्तरी अफ्रीका यूरोप यानी कि अनातोलिया तथा पूर्व के बीच में स्थित है इसका क्षेत्रफल लगभग 25 लाख वर्ग किलोमीटर है जो भारत के क्षेत्रफल का लगभग लग तीन लग चौथाई है यह अटलांटिक महासागर से जिब्राल्टर द्वारा जुड़ा हुआ है जो केवल चौदह किलोमीटर चौड़ा एक जल डमरू मध्य है लाल सागर अफ्रीका एवं एशिया के बीच हिंद महासागर का एक नमकीन पानी की एक खाड़ी भी है तो ये दोस्तों ये क्लास कैसी लगी आपको पसंद आई हो ऐसी ही क्लासे जिससे बेस्ट क्लासेज देखना चाहते हैं लाइक शेयर कमेंट एक प्यारा छोटा सा कमेंट करके फीडबैक करके जरूर बताएं ये डिटेल के साथ कैसी लगी और जितने भाई बहन मेरा वीडियो ये चैनल को इस परिवार को ज्वाइन कर लिया बहुत ही बहुत दिल से स्वागत करते हैं अभिनंदन करते हैं और धन्यवाद है सभी का दोस्तों तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में प्ले सभी चेक करें सभी क्लासेज आपकी मिल जाएगी आपके एग्जाम पैटर्न पर जो आपके एग्जाम में आना है तो जयसवाल कोचिंग सेंटर यानी आपको जयसवाल सर बात करते हैं राष्ट्रहित में शिक्षा की टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ें टेलीग्राम चैनल पर सर्च करें जयसवाल कोचिंग सेंटर नोट्स वीडियो फाइल आपको वहां पर फ्री में मिल जाता है तो धन्यवाद साथियों मिलते हैं